Hello, students, and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is 6th of September 2021, Monday. Inspiration of the day is if you believe in yourself, things are possible. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number one given on page number four Power Ministry seeks to take away sub from DISHCOM. हमने कई बार आ, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम और पावर ट्रांसमिशन जो कंपनीज हैं डिशकॉम्स हैं जनरेटिंग कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डिस्कस किया है और कई बार हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से इंडिया में जो डिशकॉम कंपनीज हैं जनकॉम कंपनीज हैं उनकी वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन जनरेट हुई किस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी मिसमैच जनरेट हुआ उसकी वजह से डिशकॉम कंपनीज कितना सफ़र कर रही हैं तो उसी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव लेकर आती है कई बार क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाई गई इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द चीप लोन टू द डिश कंपनीज इसके अलावा जेनकॉम्स को भी रिफॉर्म करने के लिए बहुत बार uh, कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए अभी रिसेंटली ट्रांस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पावर मिनिस्ट्री ने जो सब ट्रांसमिशन है उसको किसी एक डिशकॉम कंपनी -com की अथॉरिटी से रिमूव करने का डिसीजन लिया है तो यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू करी है एंड एज पर दैट एडवाइजरी थर्टी थ्री के पावर सिस्टम शुड कम अंडर द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ नॉट द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तो इस एडवाइजरी के बाद जो थर्टी थ्री के पावर सिस्टम्स हैं जो कि अभी तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है डिशकॉम के पावर या अथॉरिटी में आते थे नाउ दे विल कम अंडर द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी एंड दिस पर्टिकुलर एडवाइजरी हैज़ आल्सो सजेस्टेड दैट इफ़ स्टेट्स आर अनेबल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दीज स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एस बोलते हैं अगर स्टेट्स गवर्नमेंट ये कहती हैं कि उनके पास इतना फिनेंस नहीं है कि वो इन स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ को सपोर्ट कर पाएँ इन दैट केस दिस थर्टी थ्री के वी सिस्टम शुड बी ट्रांसफर्ड टू अ ज्वाइंट वेंचर एक जॉइंट वेंचर को ट्रांसफर हो जाएगा और ज्वाइंट वेंचर किसका होगा दैट विल भी हैडेड बाई द पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया पी जी सी आई एल उस ज्वाइंट वेंचर को हेड करेगा मतलब मोरलेस कि जो अब थर्टी no -com थ्री के पावर सिस्टम्स हैं दे विल नो लॉन्गर बी द पार्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिशकॉम कंपनीज। और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब लिया है जबकि स्टेट्स गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी सेंटर पर कई सारे एलिगेशन लगा रही हैं एलिगेशन किस चीज़ को लेकर के एलिगेशन फॉर ब्लचिंग देयर राइट्स थ्रू अमेंडमेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 थाउजेंड थ्री तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या पावर मिनिस्ट्री में कह सकते हैं कुछ अमेंडमेंट लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजेंड थ्री में जिसको लेकर के कई सारी जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं दे आर वेरी upset and they are continuously in parliament sessions they are saying that center government is actually playing with the federal structure of the economy or federal structure of the country or laws law school. एक्ट्स को चेंज किया गया जिसके तहत जो स्टेट्स के राइट right है वो उनसे छीन लिए गए सेम इज़ हैपनिंग इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी सेंटर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्नैच अवे द ब्रीच द राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेयर इन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कम अंडर द सेंटर वाइल द डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्टेट सब्जेक्ट तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि अभी इस समय डिश कॉम्स और जन कॉम्स काफ़ी न्यूज़ में हैं और, और कई सारे रिफॉर्म्स भी लाए जा रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आज इन द एग्ज़ाम कि जनरेशन और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन स्टेट लिस्ट में आता है कि सेंट्रल लिस्ट में आता है तो इलेक्ट्रिसिटी एज अ होल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है जनरेशन और ट्रांसमिशन जो है वो सेंटर में आता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी का दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट कंट्रोल और स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट में आता है इस एलिगेशन के बीच में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक एडवाइजरी जारी करी है जिसके तहत थर्टी थ्री के के जितने भी सिस्टम हैं दैट विल बी ईधर ट्रांसफर टू एस टी यूज और द जॉइंट वेंचर दैट विल बी हेडेड बाई पी जी सी आई एल क्या लॉजिक दिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर का कहना है कि दिस 33 केवी के वी सिस्टम इनकर लॉसेस द 33 केवी के वी और सब ट्रांसमिशन सिस्टम इज द ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट पावर ग्रिड एंड नाउ दे आर एक्चुअली इनकरिंग द लॉसेस एंड द ऑपरेशनल लॉस एट थर्टी थ्री के वी इज अबाउट ए फोर पॉइंट एट परसेंट वाइल द लॉस एट सिक्सटी सिक्स के वी टू टू ट्वेंटी केवीज वन पॉइंट सेवन टू 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 पॉइंट थ्री नाइन परसेंट एज पर दन कमिटी दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो उसके अकॉर्डिंग फोर पॉइंट एट परसेंट का लॉस हो रहा है कि इसमें थर्टी थ्री यानी जो सब ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं उनमें और इसीलिए ये रिफॉर्म ज़रूरी है या तो इन सब ट्रांसमिशन सिस्टम को स्टेट्स गवर्नमेंट को दे दिया जाए या किसी ज्वाइंट वेंचर को दे दिया जाए अगर स्टेट्स गवर्नमेंट ये कहती हैं कि उनके पास इतना फाइनेंस अवेलेबल नहीं है कि वो थर्टी थ्री के सिस्टम या सब ट्रांसमिशन सिस्टम को हैंडल कर पाए इट इज़ सेट डेट द इयरली अवेलेबिलिटी एट थर्टी थ्री के वी इज़ अबाउट नाइन्टी सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट वाइल फॉर अदर्स इट इज़ नाइन्टी एट पॉइंट फाइव टू नाइन्टी नाइन पॉइंट फोर परसेंट और एज पर द यूनियन मिनिस्ट्री ये जो सब सिस्टम ट्रांसमिशन है दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट क्यों क्योंकि दे वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट पावर ग्रिड्स

और जिनका कंट्रोल अब डिशकॉम कंपनी से लेकर के या तो एस को दिया जाएगा या किसी जॉइंट वेंचर को दिया जाएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर टेक्निकल उसमें जाए तो देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट और दे फॉल अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट तो डेफिनेटली जो डिशकॉम कंपनीज हैं उन पर भी स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है तो अब स्टेट गवर्नमेंट इस एडवाइजरी के बाद कैसा रिएक्शन देंगी दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवेन ऑन पेज नंबर फोर फ्रूगल गवर्नमेंट मेक क्रिम्प ग्रोथ लास्ट वीक में इकोनॉमिक डेटा रिलीज हुआ था और उस डेटा डिस्कशन के ड्यूरेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस समय इंडियन इकोनॉमी के लिए एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना चाहे वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर हो इवन कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकानमी टू हैव द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कि पैंडमिक के बाद से डिक्लाइन कर रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पैंडमिक के बाद से डिक्लाइन कर रहा है जिसकी वजह से इंडियन इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है इनकम जो है वो रिड्यूस हो रही है डिस्पोजेबल इनकम और जो डिमांड है वो सबड्यूड हो रही है एंड दिस पर्टिकुलर टाइम डिमांड रिवाइवल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंपरेटिव फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इस न्यूज आर्टिकल में फ्रूगल गवर्नमेंट के बारे में फ्रूगल गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर फ्रूगल मींस होता है कंजूस तो फ्रूगल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट इस समय अगर कम खर्च करती है कम एक्सपेंडिचर करती है कम इन्वेस्टमेंट करती है इन दैट केस जो ग्रोथ प्रामिस है इंडियन इकोनमी में आफ्टर पैनडेमिक पोस्ट पैंडेमिक जो रिकवरी प्रोमिस है वो रिकवरी नहीं हो पाएगी तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड इन द फर्स्ट फोर मंथस ऑफ द करंट फिजिकल ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू डिस्पाइड अ सर्च इन टैक्स कलेक्शन पुशिंग अप द रिवेन्यू एज़ पर द डेटा बिजनेस एंडल का ये कहना है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं क्वार्टर वन के बाद से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहे हैं लेकिन अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर शुरुआत के चार महीनों में फाइनेंशियल ईयर 22 यानी शुरुआत के चार महीनों में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हुआ है और अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इसी तरह से रिड्यूस होता रहा तो दिस में हैम्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ दिस में क्रेम्प द इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी पिकअप नहीं हुआ है और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा कितना करेगा इस पर अनसर्टेनिटी है क्यों क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट मैंडेट नहीं कर सकती प्राइवेट सेक्टर को या एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्ट करने के लिए वो तभी इन्वेस्ट करेंगे जब वो देखेंगे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है इकॉनमी में मनी है पैसा है इकॉनमी में डिमांड है और अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होगा डेफिनेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ प्रॉफिट सीकिंग जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब होगा जब प्राइवेट सेक्टर या इन्वेस्टर्स को इकॉनमी में कॉन्फिडेंस होगा और इस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट किसी भी इकानमी की गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का ओरिएंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर गवर्नमेंट का ही एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है गवर्नमेंट खुद ही इकॉनॉमी में खर्च नहीं कर रही एक्सपेंडिचर नहीं कर रही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही तो दैट इन टर्म्स गिव अ वेरी बैड सिग्नल और निगेटिव सिग्नल टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स डिमांड जो गिरेगी वो तो गिरेगी जो सिग्नल जाएगा अनसर्टनिटी का वो भी एक नेगेटिव सिग्नल जाता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को क्यों क्योंकि उनके एक जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है वो ये होती है कि गवर्नमेंट ही कॉन्फिडेंट नहीं है इकॉनमी को लेकर के गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही गवर्नमेंट ही एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रही इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट खुद अनसर्टनिटी में है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के तो जब गवर्नमेंट ही अनसर्टनिटी की सिचुएशन में है देन वाई शुड वी टेक द रिस्क रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन टू दिस डोल्ड्रम सिचुएशन और जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो रहा है फॉर इंस्टांस द गवर्नमेंट रिवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस हैज़ ग्रोन वन सिक्सटी पॉइंट नाइन परसेंट इन द फर्स्ट फोर मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू इट्स स्पेंडिंग हैज़ श्रंक फाइव परसेंट तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 160 परसेंट तक बढ़ा है लेकिन जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो 5 परसेंट तक कम हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले साल के कंपैरिजन में यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में एज पर द डेटा इनफैक्ट टैक्स कलेक्शन एट 5.3 ट्रिलियन इन अप्रैल जुलाई वर 56 परसेंट हायर देन द फाइनेंशियल ईयर 20 यानी अगर हम पैंडमिक से पहले की बात करें तो उसके कंपैरिजन में भी हमारा जो टैक्स कलेक्शन है हमारा मतलब गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो छप्पन परसेंट तक बढ़ा कुछ ये कह सकते हैं कि मैम दिस 160 सिक्सटी परसेंट इंक्रीज में भी बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट इन द लास्ट ईयर क्योंकि उसमें फर्स्ट फर्स्ट पैंडमिक की वेव आई थी और नेशन वाइज लॉकडाउन चल रहा था फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में नेशन वाइज लॉकडाउन था तो उस समय जो टैक्स कलेक्शन था वो बहुत ज़्यादा फॉल कर गया था क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली शट डाउन थी तो ये 160 परसेंट का इंक्रीज़ इसीलिए दिख रहा है डेफ़िनेटली लो बेस इफेक्ट है ही तो अगर रियल इंपैक्ट जानना कि रियल कितना टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ तो पिछले साल से कंपेयर करें जब हमारा नॉर्मल ईयर था यानी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी तो उस साल से कंपेयर करने पर भी छप्पन परसेंट का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है वो वन ट्रिलियन का हुआ है जो कि फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के कंपैरिजन में छप्पन परसेंट ज़्यादा है एंड टोटल एक्सपेंडिचर वाज सिक्स परसेंट हायर देन प्री कोविड लेवर और जो एक्सपेंडिचर है प्री कोविड लेवर यानी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के कंपैरिजन में जो एक्सपेंडिचर है वो केवल छः परसेंट ही बढ़ा है यानी कलेक्शन टैक्स कलेक्शन जो है वो छप्पन परसेंट बढ़ा लेकिन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो केवल छः परसेंट बढ़ा एंड दिस टैक्स कलेक्शन हैज़ पुश्ड अप द टोटल रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट टू सिक्स पॉइंट एट ट्रिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू दैट इज हायर बाई वन नाइन थ्री फोर परसेंट ओवर द कॉरस्पोंडिंग पीरियड इन ट्वेंटी वन तो रिवेन्यू कलेक्शन एक सौ तिरानबे परसेंट तक इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज टैक्स कलेक्शन तो गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है रिवेन्यू है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी और फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन दोनों के ही कंपैरिजन में तो ये जो वन नाइन्टी थ्री परसेंट का इंक्रीज़ देख रहा है रेवेन्यू में ये फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन यानी पैंडमिक की जो फर्स्ट वेव आई थी उसके लेकिन अगर रियल इंपैक्ट देखना है तो डेफ़िनेटली फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के से कंपेयर करना पड़ेगा और उसके कंपेरिजन में सेवेंटी का इंक्रीज़ रिवेन्यू कलेक्शन में देखा गया है तो नॉर्मल ईयर के कंपैरिजन में प्री पैंडमिक के कंपैरिजन में दोनों में टैक्स कलेक्शन 56 परसेंट बढ़ा रेवेन्यू जो कलेक्शन रहा वो 70 परसेंट बढ़ा लेकिन जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो केवल और केवल 6 परसेंट से इंक्रीज किया इन द फर्स्ट फोर मंथ्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट 8.7 पॉइंट सेवन ट्रिलियन वॉज फोर परसेंट लोअर देन द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर हम जाएँ तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के, के कम्पेरिजन में 4% lower government of India ka revenue expenditure into this financial year. Revenue expenditure shrunk 7% in the first 4 months of financial year 2022 as per the data. तो यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी तक हम सिर्फ कलेक्शन एक्सपेंडिचर टर्म यूज़ कर रहे थे एक टर्म हमने यूज़ किया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वाट इज दिस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हाउ दिस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म नॉर्मल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट अभी वी वर यूजिंग द जस्ट सिंपल टर्म गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट अभी अभी जस्ट आई हैव यूज द वर्ल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हाट इज दिस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कम द फिक्सड ऑब्लिगेशन और ऑन गोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ऑफ द गवर्नमेंट फिक्स फिक्स हैं हर साल इर रिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इर रिस्पेक्टिव ऑफ द कलेक्शन गवर्नमेंट को वो एक्सपेंडिचर करने ही करने हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जैसे कि सैलरीज पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तो देने ही देने हैं उसमें गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन कम हुआ तो दीज आर जनरली कॉल्ड एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है जहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर uh, करती है किस लिए इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए तो रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर रहा है गवर्नमेंट का वो इस फाइनेंशियल ईयर में सात परसेंट तक रिड्यूस हुआ है इन कंपैरिजन टू द प्री पैंडमिक ईयर दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी एंड दिस इज़ द डेटा दैट हैज़ बीन पब्लिश बाय बिजनेस स्टैंडर्ड और उसको देखते हुए इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अगर इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स कलेक्शन टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है रिवेन्यू बढ़ रहा है बट फिर भी गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएगी तो इकॉनमी में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं होगी जो एंटिसिपेट कर रहे हैं ग्रोथ एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक स्ट्राटिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो ग्रोथ अचीव नहीं हो पाएगी क्यों क्योंकि इस समय इकॉनमी पैंडामिक के बाद से रिकवर हो रही है तो फाइनेंस फंड मनी की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो अगर गवर्नमेंट खर्चे ही नहीं करेगी एक्सपेंडिचर ही नहीं करेगी तो मार्केट में सप्लाई भी इंश्योर नहीं हो पाएगी दूसरा पॉइंट ये इट गिव्स अ वेरी बैड सिग्नल टू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत कम है पैंडमिक में और अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट uh, के एक्सपेंडिचर अमाउंट से ये इंडिकेशन ये सिग्नल जाएगा प्राइ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि गवर्नमेंट खुद ही इन्वेस्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है इकोनॉमी में देन वाई शुड वी इन्वेस्ट सो ऑल दिस इज़ द डेटा दैट यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट कि कितना टैक्स कलेक्शन हुआ कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर और कितना फाइनेंशियल uh, ईयर uh, तीन फाइनेंशियल ईयर लिए गए हैं ये प्री पैंडमिक ईयर है दिस इज पैंडमिक एंड दिस इज पैंडेमिक ईयर तो अगर रियल कंपैरिजन एस्टैब्लिश करना है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू का तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी से करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द रियल पिक्चर ऑफ द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन और एक्सपेंडिचर अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स गूगल इक्विटास डिपॉजिट्स डील अंडर आरबीआई वॉच द रिसेंट मूव बाई इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक टू टैप इन टू द यूजर बेस ऑफ गूगल पे फॉर गार्नेटिंग डिपॉजिट हैज़ शोन आ करव बॉल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वि जिस क्लोजली वॉचिंग द डील टू गॉक इट्स इम्प्लीकेशन ऑन बैंकिंग लैंड तो गूगल एक्विटास के बीच में जो डील होने वाली है अब आर बी आई को वो डील थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही लेकिन हालांकि अभी आर बी आई ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है बट स्टिल आर बी आई इज क्लियरली और क्लोजली वॉचिंग द डील कि ये डील कैसे होती है और इस डील का इंडिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है और इसीलिए अभी तक आर ने कोई बहुत ज़्यादा गो अहेड नहीं दिया है दिस पर्टिकुलर बिग टैक डील को इन

प्रमोट करना है दैट इज गुड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्रमोट किया जाए जो कंज्यूमर्स हैं उनको और ज्यादा अफोर्डेबल और ज्यादा एक्सेसिबल और ज्यादा सिंपली इजी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएं बट इन अ रेगुलेटेड मैनर तो अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अप्रूव करती है आरबीआई उससे पहले आरबीआई उसका रेगुलेशन सोचती है एंड दैट इज व्हाई आरबीआई स्टिल नॉट गिविंग दिस गो अहेड सिग्नल टू दिस डील बट आर बी आई इज़ एक्चुअली पॉन्ड्रिंग ओवर द रेगुलेशन और रेगुलेशन करने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि ये एनालाइज करना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर गूगल और एक्विटास के बीच में जो डील हो रही है इसका बैंकिंग सिस्टम पर क्या फर हम सबको पता है गूगल हैज़ अ वेरी वेरी बिग सब्सक्राइबर बेस और गूगल पे के पास भी इस समय बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस है और एकवेटास स्मॉल फाइनेंस बैंक तो एक बैंक और एक डिनेटिंग कंपनी जिसके पास एक लार्ज सब्सक्राइबर बेस है अगर वो हाथ मिला रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव अज इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्पेशली इन केस ऑफ बैंकिंग एंड प्रडिक्टिबली इट इज अ वे ऑफ बिग टेक फॉर्म्स सच एज गूगल फेसबुक एमेजॉन एप्पल माइक्रोसॉफ्ट तो एक बिग टेक फॉर्म्स के फॉर्मेशन में जो बड़ी बड़ी कंपनी नाव दे विल वर्क एज अ बैंक ऑल्सो सो Predictably this is going to be the big tech firms such as Google Facebook Amazon Apple and in the half yearly financial stability report released on July 1 the regulator even listed the growing presence of the big tech in financial services as among the key risk factor for the financial stability तो थोड़ा सा निगेटिव व्यू है इस पर्टिकुलर डील को लेकर के एज पर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आर बी आई बट स्टिल आर बी आई अभी बहुत ज़्यादा इसको लेकर के रिजर्व भी नहीं है इट इज़ अंडर द वॉच सिचुएशन और ये भी आर बी आई को क्लियरली पता है कि अगर गूगल को अलाउ कर दिया जाता है और इस डील को ओके okay कर दिया जाता है आर की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो अदर जो फिनटेक कंपनीज हैं वो भी अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं लाइक एमेज़ोन एप्पल माइक्रोसॉफ्ट दे विल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर सच डील्स सो इफ़ गूगल इज़ अलाउड अदर फर्म्स कैन डिमांड द सिमिलर प्रिवलेज और इसीलिए आर बी आई डू नॉट वॉन्ट द बिग टेक कंपनीज फॉर टू बी इन डिक्टेटिंग टर्म्स विद द बैंक्स इन लॉन्ग रर्म क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज दे हैव इनफ मनी रेवेन्यू रिसोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग तो आर बी आई ये नहीं चाहता कि बड़ी बड़ी कंपनीज है छोटे छोटे बैंक्स के साथ डील करके फिर दे शुड स्टार्ट डिक्टेटिंग द बैंकिंग टर्म्स दैट इज वाई दिस डील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आर बी आई एंड द इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप डिजिटल ब्रोकर्स कॉर्नर ओवर हाफ ऑफ मार्केट द टॉप फाइव डिजिटल ओनली ब्रोकर्स हैव कॉर्नर मोर देन हाफ ऑफ द इंडस्ट्री एक्टिव क्लाइंट बेस सिग्निफाइंग सिस्मिक शिफ्ट इन द पैकिंग ऑर्डर अमंग द डोमेस्टिक ब्रोकरेज तो पांच ऐसे बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं वो आधी मार्केट कैप्चर किए हुए हैं और कौन से ऐसे फाइव एज न्यू ब्रोकर्स हैं जो कि फिफ्टी फाइव परसेंट एक्टिव क्लाइंट होल्ड करते हैं दिस इज़ द लिस्ट एंड डेफिनेटली यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस लिस्ट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री तो पांच जो नए बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं या कंपनीज हैं दे आर होल्डिंग फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स और इंडस्ट्री में थोड़ी सी जो वो ए सीमेट्री है दैट इज़ क्लियरली विजिबल और पैंडमिक के ड्यूरेशन में जो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है जो कंसंट्रेशन ऑफ कंज्यूमर है एक्टिव क्लाइंट है ये बढ़ा है अगर इसको फाइनेंशियल ईयर 19 में देखें फाइनेंशियल ईयर 19 में अगर हम इन्हीं पांच जो न्यू एज ब्रोकरेज हाउसेस हैं अगर इनका डेटा देखें तो इनके पास केवल 17 परसेंट कंज्यूमर बेस था जो कि अब बढ़ के तिरपन परसेंट तक पहुंच गया है एंड द शेयर ऑफ टॉप फाइव ट्रेडिशनल ब्रोकर विद हेल्प टू ट्वेंटी टू परसेंट फ्रॉम थर्टी थ्री परसेंट ड्यूरिंग द वेरी सेम पीरियड सो डेफिनेटली दिस कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक वॉज टिपिंग पॉइंट फॉर द डिजिटल ब्रोकर्स विद नियरली सेवेंटी परसेंट ऑफ द करंट क्लाइंट बेस बींग एडेड आफ्टर द आउटब्रेक तो पैंडेमिक ने बेसिकली एमिट्री क्रिएट कर दी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और इस समय तिरपन परसेंट जो क्लाइंट बेस है वो टॉप फाइव न्यू ब्रोकरेज हाउसेस या कंपनीज के पास है जिसका अगर नंबर में बात करें तो बारह दशमलव छः मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स हैं इन पांच कंपनीज के पास है कौन कौन सी पांच कंपनीज हैं जहरादा अप स्टॉक्स एंजल ब्रॉकिंग आई सिक्योरिटीज एंड नेक्स्ट बिलियन और इसके बाद जो रिमेनिंग एक्टिव क्लाइंट बेस है वो एच डी एफ सी सिक्योरिटी कौचक महिंद्रा शेर ओसवाल एंड फाइव पैसा के पास है अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप मुकेश अंबानी एंटर्स डॉलर वन हंड्रेड बिलियन क्लब सो फाइनली इंडिया रिचेस्ट प्रमोटर एंड बिलर मुकेश अंबानी कंटिन्यू टू सी स्टडी राइज इन द नेट वर्थ एंड थैंक्स टू द रैली इन द शेयर मार्केट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज रिसेंटली जिसकी वजह से अनिल अम्बाली एंटर द क्लब ऑफ डॉलर हंड्रेड बिलियन एज अ वैल्यू ऑफ इस फैमिली स्टेक इन आर आई एल सप्राज द डॉलर हंड्रेड बिलियन मार्क तो जो रिसेंट जो शेयर मार्केट में जो रैली आई है उसकी वजह से आर आई एल के जो मार्केट के जो शेयर बढ़े हैं जिससे जो फैमिली स्टेक है अंबानी परिवार का अंबानी फैमिली का उसका वैल्यूएशन डॉलर हंड्रेड बिलियन से ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से मुकेश अंबानी हैज एंटर्ड द क्लब ऑफ हंड्रेड बिलियन डॉलर माइंडेड स्टूडेंट अंबानी फैमिली होल्ड फोर्टी नाइन पॉइंट वन परसेंट स्टेक इन आर तो ये आर आई एल में इनका स्टेक है जो कि अब सौ बिलियन डॉलर से ज्यादा का जा चुका है सो दैट्स ऑल फॉर टू डे स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी एंसन यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन बिलो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इफ यू वॉन्ट लाइक चर पी डी एफ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू